नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं। और लीजिए, जैसा कि मैंने कल कहा था कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का टाइम टेबल मैं लेकर आने वाला हूं, तो आप लोगों के लिए वीडियो में लेके आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले दुर्गाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के टाइम टेबल में क्या दिया हुआ है, कब से आपकी परीक्षा होने वाली है, साथ ही फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। DLED मुख्य परीक्षा प्रथम वर्ष 2020 का परीक्षा भी होने वाला है, इससे संबंधित बातें भी उस प्रपत्र में दी गई है, सूचना में दी गई है, तो हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चाहे तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर बने ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं का टाइम टेबल के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो है जो लेटर जारी किया है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा कल 22 अक्टूबर को जो है ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें बोला जा रहा है पूरक या अवसर परीक्षा एक ही है वो के आयोजन के संबंध में। जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कह रहा है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी 10वीं और 12वीं, साथ ही उसका व्यावसायिक पूरक परीक्षा मतलब वोकेशनल कोर्स वालों का 28 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। साथ ही साथ DLED मुख्य परीक्षा प्रथम वर्ष 2020 की जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, उसको भी आयोजित किया जाएगा। तो जब इसका फॉर्म भरने वाले हैं आप, तो फॉर्म भरने की तिथि जो है वो 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक लास्ट होगी। इस वर्ष हाई स्कूल पूरक अवसर परीक्षा में देखिए 108,632 विद्यार्थी पात्र हैं और 12वीं में 6,731 विद्यार्थी पात्र हैं, मतलब इतना टोटल 17,000 के आसपास लोग जो हैं स्टूडेंट जो है वो पूरक परीक्षा दिलाने वाले हैं 10वीं 12वीं मिलाकर। तो दोस्तों, आपका सेंटर कहाँ होगा, तो जो रेगुलर छात्र हैं जिस संस्था में पढ़ते हैं, जैसे कि एक विद्यार्थी है जो 10वीं पढ़ रहा था, वो भी रेगुलर मतलब रोज़ स्कूल जाता था ऐसा वाला, ठीक है। अब 10वीं वो कहाँ से पढ़ा है, सुंदरलाल शर्मा स्कूल से पढ़ा है, तो उसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, वही सुंदरलाल शर्मा में ही होगा, ठीक है, ये होगा, चाहे 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो। अब कोई व्यक्ति जो है वो प्राइवेट में एग्ज़ाम दिलाया है और सप्लीमेंट्री आ गया, तो प्राइवेट का फॉर्म भरने के लिए उसने क्या भरा था, पंडित गिरजाशंकर से भरा था, फॉर्म को कहाँ सबमिट किया था वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से लाया था वो नहीं है ना, तो गिरजाशंकर से लाया और गिरजाशंकर में ही जमा किया, हो सकता है किसी दूसरे से ला के गिरजाशंकर में जमा करता, तो जहाँ पर आपको जमा किया फॉर्म को जमा किया है वही वाला सेंटर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये होगा आवेदन फॉर्म भरने के संबंध में विस्तृत निर्देश और विस्तृत समय सारणी आपको मिल जाएगा 23 अक्टूबर शाम 5:30 बजे, कल मिल चुका है, तो डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। मंडल की वेबसाइट जो होगी वो होगी www.cgbse.nic.in पर जारी कर दी जाएगी, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसको, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं आगे इसके टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा वर्ष 2020 समय सारणी 10+2 योजना के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये 10वीं लिखा हुआ है, साथ ही ये जो लिखा हुआ है वो है तुम्हारा नियमित स्वाध्यायी और तृतीय अवसर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रेगुलर वाले भी और स्वाध्यायी मतलब प्राइवेट वाले भी और जो थर्ड बार पेपर दिला रहे हैं उनके लिए भी, तीनों के लिए यही टाइम टेबल होगी। यहाँ पर सबसे पहले टिप्पणियों में आप सभी को बता दें क्या लिखा है, परीक्षार्थी जो है समय सारणी को भली भांति नोट कर ले, स्वाध्यायी जो प्राइवेट वाले हैं उनकी प्रायोगिक परियोजना परीक्षाएं जो होगी वो परीक्षा केंद्र में ही होगा, आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परियोजना परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी ले जा सकती है, तो छुट्टी रहने वाले दिन में भी एग्ज़ाम हो सकता है। इनकी तिथि और समय ज्ञात करने के लिए केंद्र अध्यक्ष से सतत संपर्क करें, मतलब जहां फॉर्म जमा करते हैं वहां से डिटेल लेते रहें।
इसके बाद बता रहा है कि मंडल आवश्यक होने पर जो है आपका परीक्षा तिथि और समय में कभी भी पूर्व सूचना बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, मतलब आपका टाइम टेबल चेंजेबल है। दसवीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो है उसी में ही होगा। यदि कोई अवकाश और स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षा होगी, चाहे किसी भी स्थिति में रहे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए दसवीं वालों का पेपर का जो टाइम है वो 1 बजे से 4 बजे तक है, दोपहर का समय है, 1 से 4 बजे तक ऐसा समय है जहाँ पर बच्चों को नींद आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 4 बजे तक का आपका टाइम है, आपको 1:55 पर प्रश्न पत्र मिल जाएगा, फिर आप लिखना चालू करेंगे 1 बजे से। और ये तो गड़बड़ लिखा हुआ है, ऐसा लगता है 1:55 को अध्ययन हेतु प्रश्न पत्र, हाँ ठीक है, उत्तर लेखन कार्य 1 से 4 बजे तक और उपस्थित होने का समय आपका है 12:30। देखिए यहाँ पर टाइम टेबल को थोड़ा सा समझा दूँ, शनिवार 28 नवंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है, हिंदी रहेगा पहला, नॉर्मल वाला सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं, हिंदी रहेगा फर्स्ट जो है, दूसरा 1 तारीख को, मतलब कि यहाँ पर सोमवार को भी छुट्टी है, संडे भी छुट्टी हो गया, 2 दिन मिला, उसके बाद गणित है, उसके बाद तुरंत विज्ञान है, फिर सामाजिक विज्ञान है, फिर उसके तुरंत कंटिन्यू है यहाँ पर, फिर इसके बाद आ गया इंग्लिश, इंग्लिश के बाद जो है तुम्हारा संस्कृत हो गया, इसमें हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ वाले संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा, तो द्वितीय भाषा में इंग्लिश मीडियम वाले लोग पढ़ते हैं हिंदी, हम लोग क्या है द्वितीय भाषा में इंग्लिश पढ़ते हैं, जस्ट अपोजिट होता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम तो ये 10th का जो वोकेशनल वाले हैं उनके लिए है, नॉर्मल वाले लोग नहीं पढ़ते हैं, ये जिसका सब्जेक्ट रहेगा उसी को ही मिलेगा, दृष्टिहीन छात्रों के लिए, मूक बधिर छात्रों के लिए जो रहेगा वो सिर्फ उसी को पढ़ेगा, नहीं तो फिर सभी का ख़त्म कहाँ से हो जाएगा, 5 तारीख को नॉर्मल का। इसी तरीके से यहाँ पर 12वीं का भी दिया हुआ है, 12वीं में नियमित स्वाध्यायी तृतीय अवसर, ठीक है, तो इनका जो टाइमिंग रहेगा वो होगा 8:30 से 11:30 तक, ये टाइमिंग बढ़िया है, 8:30 से 11:30 तक होगा, ठीक है। और यहाँ पर टिप्पणियाँ सेम है, आपको 8:25 को देख लीजिए, मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, 8:25 को क्या होने वाला है, आपको मिलेगा अध्ययन हेतु प्रश्न पत्र वितरण हो जाएगा, उसके बाद 8:30 बजे से आप लिखना चालू करेंगे और 11:30 बजे तक जो है आपको सबमिट करना है, 8 बजे आपको उपस्थित होने का समय है, पहुंच जाइएगा टाइम पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका हिंदी है, दूसरा जो भी जो सब्जेक्ट लिया होगा, जैसे फिजिक्स है ना, हिस्ट्री है, ये दोनों में से कोई भी लिया होगा, अगर नया पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, और ये व्यवसाय अध्ययन बिजनेस है ना, बिजनेस मैनेजमेंट का है 302, यहाँ पर कोड थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, सभी लोगों को आपके एडमिट कार्ड में कोड दिया हुआ रहता है, कोड के माध्यम से करेंगे, है ना, कोड में आपको क्लियर होगा, हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी नीचे भी लिखा रहता है, देखिए यहाँ पर ये हिंदी भी है यहाँ पर और यहाँ पर भी हिंदी है, तो भैया आपके एडमिट कार्ड में कौन सा हिंदी है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसके बाद वैसे ही दिया हुआ है वोकेशनल वालों का जो नियमित और प्राइवेट है, पूरक परीक्षा, तो ये जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से जाके टच कीजिएगा, उसके बाद ऊपर 3 डॉट आएंगे, 3 डॉट से लेकर आप जो है जैसे ऐसे यहाँ पर 3 डॉट है वैसे ही, उसके बाद वहाँ पर ऑप्शन देता है, जैसे करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन देगा या तो व्यू का ऑप्शन देगा, वहाँ पर से आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस, आप सभी को बात करें यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल गई है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी दूसरों तक शेयर कर दें ताकि हम सभी को जो है सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।